कुछ बीच में ऐसी प्रॉब्लम हमारे देश में चल रही है थोड़ी सी, उसके बाद उनका समय जो 1 अक्टूबर था वो हट गया और टल गया है। तो हम दोनों खिलाड़ी देश के पहले हमारे क्षेत्र के ऐसे खिलाड़ी होंगे जो देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित होंगे। और एशियाई खेलों में आज जसप्रीत का नाम नंबर 1 पे चल रहा है, क्योंकि भारत में पहला मेडल हमारा आया भारत देश के जुजुत्सु खेल में, हम लोग खेलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जसप्रीत के बच्चों में जो मैंने देखा कि हमारे देश में सबसे आगे हमारे जसप्रीत क्षेत्र चल रहा है मार्शल आर्ट का, तो मार्शल आर्ट सभी बच्चे बेटियों को सिखाएं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अभी बेटी को सरोज डिग्री जी ने भी सम्मानित किया। और इसने यहाँ पर मनदीप कौर से बात की है कि देश की जितनी बेटियों को आप ट्रेनिंग दे सकें उनको ट्रेनिंग देंगे। तो मैं रामलीला मन से मैं सभी जनता के सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए और इसी तरीके से बेटी मनदीप कौर को और आगे अपने बेटों को इसी तरीके से कि वो भी आगे देश के लिए मेडल दे। और मैं जसप्रीत में रहने के बाद थाईलैंड में भी मैंने वर्ल्ड में 5वां स्थान प्राप्त किया था और अब एशियाई खेलों में मेडल। और इसके बाद हम दोनों का सिलेक्शन एशियाई जो ओलंपिक खेल है ओलंपिक में हम दोनों खेलेंगे और उसके बाद कई आगे बढ़ते हुए ओलंपिक तक हम लोग पहुँचेंगे। तो ये छोटा मोटा शहर नहीं रह गया जसपुर, अब खेलों की दुनिया में जसपुर की अलग पहचान है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने नई पे नीति के हिसाब से 5-5 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दोनों खिलाड़ियों को दी है और मनदीप कौर की स्कॉलरशिप उससे ज़्यादा होता है, उन्होंने डबल मेडल निकल के स्कॉलरशिप और ज़्यादा दी है। और सरकारी नौकरी 1 लाख का आश्वासन दिया है कि आप लोगों को एशियाई में मेडल निकालने पर सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। और आने वाले समय में यात्रा रोडवेज की यात्रा खिलाड़ियों के लिए फ्री करने जा रहे हैं। और जल्दी जसपुर में मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जसपुर का जो स्टेडियम बने वो मनदीप कौर के नाम से, क्योंकि मनदीप कौर जसपुर की पहली बोली है जिसने मेडल दिया है एशियाई के लिए। धन्यवाद।